नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे undiairway.com की आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं, और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार ये पता लगा है कि इलायची चबाने से वज़न कम होता है। तो दोस्तों, हमारे किचन में ना तो इलायची की कमी है और ना हमारे समाज में मोटे लोगों की कमी है। तो आजकल का जो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है हमारे शरीर को बेडौल कर देता है और हम अपने शरीर का वज़न नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए अक्सर हम कई दवाइयाँ और कई चीज़ें प्रयोग करते हैं जिसका भी असर नहीं होता है। तो ऐसे में आयुर्वेद ने हरी इलायची का इम्पोर्टेंस बताया है जो कि शरीर के अपच को ख़त्म करके पाचन तंत्र को साफ, शरीर की सूजन को कम, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है और जिससे वजन कम होने में सहायता मिलती है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि इलायची कैसे काम करती है। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि पेट में गैस या शरीर में पानी की वजह से सूजन आने से मोटापा बढ़ता है। और अगर आप इन चीज़ों की समस्या से ग्रसित हैं तो आप भी आज से इलायची का सेवन शुरू कर दें। और आप चाहें तो इसे अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं और चाहे तो इसमें चाय या कॉफ़ी में भी डाल के पी सकते हैं। मतलब तो सिर्फ इलायची के सेवन से है। और इलायची के दानों को पीसकर पाउडर बना लें और उसे अपनी दूध, चाय में, खाने में प्रयोग करें। इसके अलावा आप खाने के बाद भी इलायची चबा सकते हैं, इससे भी आपको मोटापे में राहत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इलायची का सेवन ज़रूर शुरू करें। बहुत ही छोटा सा उपाय है ये, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो आप ये ज़रूर करें और आपको निश्चित रूप से, अगर आप मोटापा है, आपको शरीर की सूजन या इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसमें लाभ मिलना चाहिए। और आप ये इन्फॉर्मेशन औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। और आपके जो फीडबैक या कमेंट्स आ रही हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।